हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आलू के रस के बारे में। जी हाँ, आलू का रस यानी पोटैटो जूस, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारी होम रेमेडी में करते हैं। बट हम लोग यूज़ तो कर लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखा, पर एक्चुअली हमें उसका बेनिफिट जो है वो पता नहीं होता है और उसको यूज करने का तरीका पता नहीं होता है। फिर हम एक दो बार यूज करते हैं, फिर बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा हमारी स्किन को। बट आपको बता दूँ, आप जो यूज़ कर रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत तरीके से यूज कर रहे हो। आप उसको रेगुलर ना यूज करके एक दो दिन यूज करते हो, क्योंकि हमें बिल्कुल धैर्य नहीं होता, धीरज नहीं रखते हो, और उसके बाद आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। फिर आप क्या करते हो, कमेंट्स में आके बहुत लंबे लंबे चौड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए, यानी वीडियो देखा और लगाना शुरू नहीं, आपको सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। जैसे कि आलू के रस के जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको आलू के रस के नुकसान भी पता होने चाहिए, एंड इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, किस तरह ये हमारे फेस पे वर्क करता है, एंड हमें कितने टाइम के लिए इसे अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए और कितने दिनों तक यूज करना चाहिए। तो ये सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो देखते हैं। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, इसलिए पूरा देखना, इसके मत करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और पहली बार चैनल पर आए तो आपको क्या करना है, नीचे जो रेड का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कर देना है, बगल में लगे घंटी बजा देना है, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन उसे भी क्लिक कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का आलू का रस होता है ना, वो हमें आलू से ही मिलता है। दोस्तों हम लोग जिस आलू का रस का इस्तेमाल करते हैं वो आलू से ही मिलता है। हाँ, आलू से ही मिलेगा। तो उस आलू के रस में जो होता है, वो आलू में जो भी बेनिफिशियल गुण होते हैं, जो औषधीय गुण होते हैं, वो रस में भी होते हैं। जैसे आलू में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा उसमें मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, आयरन है, एंड विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, इस तरह के बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं आलू के अंदर, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों आलू जो होता है वो फैटी होता है, यानी उसका ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, लेकिन स्किन पर अगर इसका इस्तेमाल आप रेगुलर करोगे तो आपकी स्किन चमकेगी। जी हाँ, अगर बाहर से आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आलू का रस बहुत ही बेनिफिशियल है, सच बता दूँ आलू का रस बहुत ही बेनिफिशियल है, बस आपको इसको यूज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप आलू का रस इस्तेमाल करते हैं, खासकर ये डार्क सर्कल के लिए, जो आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, अक्सर हम लोग इतना फ़ोन चलाते हैं, इतना लैपटॉप चलाते हैं, इतना कंप्यूटर चलाते हैं, इतनी ज़्यादा टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखों पर असर पड़ता है और हमारे आँखों के नीचे काला घेरा हो जाता है। काले घेरे को रिमूव करने के लिए आलू के रस से बेहतर कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आप रात में सोने से पहले 15 मिनट भी अगर आलू का रस अपने आंखों के नीचे लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप वॉश कर लेते हैं, आप कुछ ही दिन में देखोगे आपके जो आंखों का नीचे काला घेरा है वो दूर हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है आलू के रस की, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करो। बट हाँ, आयुर्वेदिक चीज़ें और होम रेमेडीज आप कहोगे एक दिन में छू मंतर हो जाएगा, तो छू मंतर यार कुछ भी नहीं होता है, आपको लंबे टाइम तक यूज करना होता है, ठीक है। ये जो काला घेरा है वो एक दिन में नहीं बना है, जितना लंबे टाइम में ये हमारे आँखों के नीचे आता है उतने ही लंबे टाइम पे जाता भी है, तो आपको लंबे टाइम के लिए इसको यूज करना होता है। अगर इसके दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो आपको बता दें, जो हमारे फेस पे बहुत सारी फाइन लाइन आ जाती है, झुर्री आ जाती है, एजिंग की प्रॉब्लम जो हमारे फेस पे दिखने लगती है, यानी हमारी उम्र हमारे फेस पे झलकने लगती है, उसको भी आप दूर कर सकते हो, यानी आप अपनी उम्र, जो बढ़ती उम्र हमारे फेस पे नज़र आ रही है, उसको रोक सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको आलू, क्योंकि आलू के रस में मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है, जो झुर्रियों के प्रॉब्लम को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ आलू का रस नहीं यूज करना है, सिर्फ अकेले आलू का रस यूज नहीं करना है, इसके लिए आपको चाहिए दही, ऑलिव ऑयल या फिर नारियल तेल, आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दही लेना है, उसमें आलू का रस डालना है, दोनों को मिक्स करना है,
कोई भी ऑयल जैसे नारियल का तेल है, ऑलिव ऑयल है, तो थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना है, सिर्फ एक ढक्कन ऐड करिए, उसे मिक्स करिए, उसे फेस पे अप्लाई करिए। आप चाहे से दिन में करिए चाहे रात में करिए, आधे घंटे के लिए अप्लाई करना, अच्छे से सूख जाने दीजिए, उसके बाद हल्के से मसाज करते वॉश कर लीजिए। अगर आप रेगुलर यूज करोगे लंबे टाइम के लिए तो एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपको हज़ारों खर्च नहीं करने पड़ेंगे एजिंग के पीछे, क्योंकि बहुत ही महंगी महंगी क्रीम मार्केट में उपलब्ध है। तो एजिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में भी ये जो का रस है वो बेनिफिशियल है। तीसरे फायदे करें सनबर्न। जी हाँ, वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम लोग क्या करते हैं धूप में जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, जहाँ तक कपड़ा पहनेंगे वहाँ तक तो वाइट रहेगी, बाकी ब्लैक हो जाती है जो भी ओपन रहता है। और कुछ लोगों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, रेड पड़ जाती है। सनबर्न की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए हम लोग आलू का रस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप क्या है, आप जब भी घर आओ, ठीक है, आप 15 मिनट के लिए, ऐसा नहीं कि आते ही तुरंत जुट जाओ, आप 15-20 मिनट आराम कर लो, उसके बाद क्या करना है आपको ठंडे पानी से पहले पहले तो चेहरा वॉश करना है, उसके बाद आपको आलू का रस लेना है, उसमें एक रुई को डिप करना है और रुई से अपने सारे सनबर्न एरिया, अपने चेहरे, हाथ में, गर्दन में, जहाँ पे भी आपको ये प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करना है। आप ऐसा करोगे देखोगे सनबर्न से जो जलन सी महसूस हो रही है, जो गर्माहट सी महसूस हो रही है, वो तुरंत छूमंतर हो जाएगी एंड धीरे धीरे आपकी स्किन भी ठीक हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करो, ये तो काफ़ी जल्दी भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये तीसरा बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुहासे की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप बेसन के उपटन में, मुल्तानी मिट्टी के उपटन में आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हो, ये मुहासे की प्रॉब्लम को भी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड आलू के रस का एक फ़ायदा मुझे और भी अच्छा लगा हमारे बालों के लिए, क्योंकि मेरे बाल तो यार बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा रूखे हैं, तो मैं अक्सर कुछ चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हूँ बालों के रूखेपन को दूर करने के लिए। तो आलू का रस भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बालों का जो रूखापन है उसको दूर करने के लिए। उसके लिए आप बेसन में आलू के रस को मिला के भी बालों पे अप्लाई कर सकते हो, दही में भी अप्लाई कर सकते हो, ऑलिव ऑयल के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो एग का व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें भी मिक्स करके आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो। उससे क्या होगा, हमारे बालों का जो रूखापन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, जो आखिरी फायदा बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है आप सभी के लिए। दोस्तों, आलू के रस में जो आलू है उसमें ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट पाए जाते हैं, जो स्किन के कलर को लाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। या मार्केट की जो ब्लीच हम लोग यूज करते हैं उसके तो साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हम आलू के रस का इस्तेमाल रेगुलर करेंगे तो इससे प्राकृतिक रूप से हमारी जो स्किन है वो ब्लीच हो जाएगी, यानी हमारी स्किन का जो कलर है वो फेयर हो जाएगा, हमारी स्किन क्लीन लगने लगेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो नेचुरल तरीके से अगर ब्लीच करना चाहते हो तो आपको रेगुलर आलू के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक तो मैंने आपको आलू के बेनिफिट्स जो हैं वो बता दिए हैं कि ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको यूज करके ना हम अपने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट की बात करूँ तो मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, क्योंकि आपको बताने से पहले अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी करनी होती है, बट आलू के रस का ऐसा कोई नुकसान नहीं मिला है। जी हाँ, आलू खाने के तो नुकसान हमें पता है कि इसको ज़्यादा खाओगे आप मोटे हो जाओगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वज़न बहुत जल्दी से बढ़ेगा ज़्यादा आलू खाओगे और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्किन पर इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके ऐसे नुकसान, ऐसे साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बट हाँ, आलू में होता है जिंक, होता है मैग्नीशियम, होता है पोटेशियम, होता है विटामिन ए और विटामिन सी होता है, इनमें से हो सकता है कोई भी चीज़ आपकी स्किन को सूट ना करे तो आपको हो सकता है नुकसान हो। जैसे कि मैं टमाटर यूज करती हूँ तो मेरे स्किन पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं। तो आपको क्या सूट करता है क्या नहीं सूट करता है इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, आप आलू के रस के साथ ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो सकता है आपको दही सूट ना कर रहा हो, ठीक है, या फिर बेसन सूट ना कर रहा हो, तो आलू के रस के साथ आप क्या यूज भी कर रहे हो उसकी भी जानकारी आप रख लो, कि आपको जानकारी कैसे होगी, आप यूज करोगे फेस में ना यूज करके आप पैच वर्क करके देख सकते हो, फिर उसका इस्तेमाल करो। तो दोस्तों, ये तो इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, एंड इसको यूज करने का तरीका भी बता दिया है कि आप इसको लंबे टाइम तक यूज करोगे। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखा और लगाना स्टार्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी होम रेमेडी, चाहे वो आलू के रस की हो, तुलसी के पत्तों की हो, नीम की हो, या कोई भी रेगुलर हल्दी तक को भी यूज कर रहे हैं ना, जिस
जो सभी जानते हैं कि इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, बट एक दो दिन में वो भी असर नहीं करती है, इसलिए आपको रेगुलर लंबे टाइम के लिए यूज करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप आलू का रस का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे अपनी होम रेमेडी भी यूज कर रहे हो, तो बेशक उसको इस्तेमाल करो, उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बट लंबे टाइम के लिए आपको यूज करना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना। एंड हाँ दोस्तों, कोई भी आपको आपके मन में सवाल है इस वीडियो को लेकर, तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। एंड हाँ, कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, घंटी के साथ आता है ऑल का बटन, उसे भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।